बहुत तैयारी हो गई। रोजाना व्यक्ति की पाबंदी के साथ स्कूल जाया करो। जी अब्बू जा रहा हूँ। अस्सलाम को। वालेकुम अस्सलाम। अरे बोलू स्कूल को आप तो कहा आज नहीं चल रहे हो। जाना रे उठा के झूठा आ जाता है मेरे घर पे। मैं सुन रहा हूं तू जा स्कूल में। क्या होगा रे बेटा आज अपन मेरे को स्कूल में चलने का बोल रहे हैं। क्या है रे बेटा? चाचा जी आपका बोलू स्कूल नहीं चल रहा है उसका नुकसान हो जाएगा। नुकसान होगा अगर तो स्कूल में आके फायदा जूता आज बड़ा तीर मारने वाला ही है। मेरे जैसा रोजगारी में कच्चा में जीना है। और आज तो इसको बुखार भी है। जुबान भी देखना जी चाचा जा रहा हूँ। अब तेरी मास्टर जी क्या बात है बोलो जो मेरी तरफ से दुनिया बहुत मुश्किल है। नंबर है मुंगी को लिपस्टिक लगाना। नंबर कपड़ी को गोदी फिटाना। नंबर 3 मच्छर को डायपर पिलाना। नंबर 4 गुरु के पास चले जाना। ना बोलो आओ जा अब्बा चाहो तो समझ में आए मेरे को ना तेरी हूँ ना तेरी माँ ने बिगाड़ के रखी ना देखो। अच्छा बेटा तू जा स्कूल में 1-2-3 यहाँ से। कितना गरम चढ़ रहा
को तो कोई बुखार नहीं है। लाड़ो आप बच्चे को स्कूल में भेजिए। लाड़ो प्यार में मत चढ़ाइए, तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। क्या मैडम भेजूंगा कैसे इसको स्कूल में? अस्सलाम वालेकुम सपड़ी चाचा। अच्छा मैडम चलो हम है ना दादी के वहाँ जाते हैं, ये राजू के वहाँ पर जाते हैं। अरे राजू तेरे मैडम आ रहे, जाके चुप जा। अरे दादी मनी तू चुप जा कर जा। अरे हमने का स्कूल तू नहीं गया और मैं क्यों चुप हूँ? अरे दादी तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम चुप जाओ जाओ। अरे बात क्या है बेटा? अरे दादी मैंने ना तुम्हारी मैयत की छुट्टी लेकर घर आया था और मेरी मैडम बोली आगे थे दादी वापस। अरे अल्लाह मजा दे से ना डाला, अभी तो मैं 9 साल की था, अभी तो मुझे तेरी शादी देखना है। अन मुंडी उड़ा मार डाला मुझे। अरे आन दे तेरे बाप के पास बोलती। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे राजू तुमने तो कहा था कि तुम्हारे दादी का इंतकाल हो गया है। बेटा राजू इस तरह का झूठ नहीं बोला करते। दादी जान राजू स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है? अरे बेटा इसका बाप इसको 1 हफ्ते से काम पर ले जा रहा है। दादी जान पहले आप इसे पढ़ाइए लिखाइए, एक अच्छे इंसान बनाइए, फिर काम पर भेजिए। राजू पढ़ेगा लिखेगा तो कोई अच्छी नौकरी भी कर सकता है। ठीक है बेटा तुम सच बोलती हो, कल से राजू रोजाना स्कूल आएगा। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। माँ सीमा कितना अच्छा हुआ, हुआ मैंने भाजी नहीं ली, कितने अल्लाह थे उसमें। अम्मा मैंने तेरे वास्ते चूड़ा ली तो आगे तेरे अंग में। अम्मा उसको अंग में ही हाथ में पहनते। हाँ हुआ माँ सही पकड़ी हुआ तूने, अनु तेरा 2000 का नया ड्रेस भी कितना अच्छा है वो। हाँ जी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम बाजी जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे बाजी आपकी लड़की पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। यूनिफॉर्म नहीं था। यूनिफॉर्म तो आपके पास है ना? मैडम अम्मा ने कहा था स्कूल में पहनकर नहीं जाना, नहीं तो मैडम नया ड्रेस नहीं देंगी। बेटा झूठ बोलना गलत बात है। बाजी आपकी लड़की 4 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। कुछ भी बात है बोल रहे मैडम, वो तो रोज स्कूल में आ रही है। ये देखिए बाजी इसकी हाजिरी। हाँ जी मैडम बिल्कुल सही पकड़े तुमने। अनमा तुम्हारे स्कूल की रुक के सुख के ना बहुत मारती उसको, उसको समझा दो नहीं तो ऐसा हिसाब बताऊंगी। हाँ नहीं तो मैं भी जैतूंगी खातूंगी। हाँ सीमा आपने मुझे बताया नहीं आपको कौन मारता है? आप कल स्कूल आइए। अच्छा बाजी मैं उन बच्चों को समझाऊंगी। कल से वो आपको कभी नहीं मारेंगे। क्यों जी मैडम मैं तो आपको एक बात बोलती, पूरे बच्चों के बैंक में 1000 रुपए आ रहे हैं और मेरी सीमा कैच नहीं आ रहे हैं और इसकी वजह से मैं इसको स्कूल में भेज रही। देखिए बाजी हम तमाम चाचा चाची जिम्मेदारी होती है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दे। अब ये काम गवर्नमेंट का होता है कि बच्चों के अकाउंट में पैसे जमा करवाए, हम तो हमारी पूरी जिम्मेदारी फिक्र के साथ पूरी करते हैं। कोई भी टीचर ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से तुलबा का नुकसान हो। हाँ जी मैडम बिल्कुल सही पकड़े तुमने। कल से मेरी सीमा रोज स्कूल में आएंगी, उसको पैसे मिले के ना मिले, कपड़े मिले के ना मिले। शुक्रिया बाजी। देखिए सरफराज हजरत हमारे इस ड्रामे का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को रोजाना स्कूल में वक्त की पाबंदी के साथ स्कूल रवाना करें। मुख्तलिफ बहाने बनाकर हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो अपने ही बच्चों का नुकसान कराएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना आज के दौर में अगर हमें आगे बढ़ना है तो तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज़।